दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक प्रॉब्लम के बारे में। दरअसल मेरे पास जो डिवाइस है Asus ZenFone Max Pro M1 उस पर एक रेड स्टेट की प्रॉब्लम है। तो काफ़ी लोगों को वो प्रॉब्लम आ जाती है और उनको नहीं पता कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। दरअसल जब डिवाइस ब्रिक हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिवाइस पे ये प्रॉब्लम आती है, आपके और भी डिवाइसेस हो सकते हैं। और आज इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाला हूं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही मजेदार वीडियोस पाने के लिए। और शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दूं, मेरा डिवाइस अभी ठीक से काम कर रहा है, वो ब्रिक नहीं है। तो मैं आपको ये तो नहीं दिखा सकता कि क्या क्या आपको करना है, लेकिन हाँ सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, कहीं भी आपने स्किप किया नहीं हुआ तो कमेंट में मुझे ये मत बोलना कि भाई हमारा नहीं हो रहा है। आप सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे तभी होगा। तो अगर आप जल्दबाजी में आए हो तो वीडियो अभी के अभी छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं आपको देखने की। लेकिन अगर आपको वाकई में इसकी ज़रूरत है तो आप वीडियो पूरा देखना। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके डिवाइस में ऐसा होता कब है। तो देखो, जब आप अपने डिवाइस पे कोई भी कस्टम रोम यूज़ कर रहे हो या फिर कोई स्टॉक रोम यूज़ कर रहे हो, कई बार तो होता है बाई चांस आपका फ़ोन ब्रिक हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम के चलते। और कई बार क्या होता है, आपने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया हुआ है, आप उसको लॉक करने की कोशिश करते हो और लॉक करते हुए आपका फ़ोन ब्रिक हो जाता है। तो आपके फ़ोन के अंदर ना तो स्टॉक रोम होती है ना कस्टम रोम होती है, और आपके फ़ोन का बूट लोडर भी अनलॉक हो गया और उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो बूट नहीं होगा। तो ऐसे में आपका फ़ोन जो है रेड स्टेट की स्टेज में आ जाता है और उसके अलावा आपको कोई भी मैसेज अपने स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलता। और अब आपको ये चीज़ कैसे वेरीफाई होगी कि आपके स्मार्टफोन का जो बूट लोडर है वो लॉक है या अनलॉक है? तो भाई सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपका डिवाइस जब ऑफ होगा वहाँ पर आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को साथ में प्रेस करना है। जैसे ही डिवाइस पे कोई भी स्क्रीन दिखे, लोगो वगैरह आ जाए, बटन छोड़ देना। इसके बाद में आपका जो डिवाइस है वो फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। अब फास्ट बूट मोड के अंदर आपको देखना है, अगर वहां पे आपको दिख रहा है CSC फास्ट बूट मोड, तो इसका मतलब है आपके जो डिवाइस का बूट लोडर है वो लॉक्ड है, आपको उसे अनलॉक करना पड़ेगा। और अगर आपको दिख रहा है फास्ट बूट मोड, तो वहां पे आपका जो डिवाइस है उसका बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है, आपका आधा काम बच गया। और ये तो बात हो गई कि आपका फोन किस स्टेज में है, कैसे आपको वेरीफाई करना है। अब मैं आपको बताता हूँ फिक्स कैसे करना है। तो दरअसल इसके लिए दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसमें तो हम अपने फोन पे स्टॉक रोम डालेंगे जो कि कंपनी से डली हुई आती है। और जो दूसरा तरीका, अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी कस्टम रोम वगैरह भी डाल सकते हो। तो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक रोम वाले तरीके की। और भाई कोई भी तरीका आप अपने फोन पे परफॉर्म करो, आपके डेटा के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपके फोन का डेटा बिल्कुल वाइप होने जा रहा है और जाहिर सी बात है आपका फोन जिस कंडीशन में आप डेटा बचा भी नहीं सकते, आपका फोन बच जाए बड़ी बात है, डेटा बचाने की उम्मीद मत करना। और भाई अब जो काम होने वाला है वो स्टेप बाय स्टेप होगा, एक भी स्टेप मिस मत करना, वरना आप कमेंट में लाइन लगा दोगे कि भाई मेरा नहीं हो रहा है। और स्टेप मिस नहीं करोगे तो आपका काम बन जाएगा, और काम बन जाए तो कमेंट में ये जरूर कह के जाना कि भाई हो गया है और आगे जो भी आप चाहते हो वो सब कह सकते हो। तो बात करते हैं पहले स्टेप की। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक PC जिसमें आपको ADB एंड फास्टबूट ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं। आप कहाँ से ड्राइवर डाउनलोड करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ड्राइवर डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। और अगर आपके पास में PC नहीं है तो भाई किसी भी दोस्त के पास में चले जाओ, किसी भी साइबर कैफे चले आओ, क्योंकि बिना PC के तो आपका काम नहीं होने वाला। स्टेप 2, आपको अपने डिवाइस को बूट करना है CSC फास्ट बूट मोड के अंदर। तो इसके लिए क्या करना है, वही जैसा मैंने अभी आपको बताया, वॉल्यूम अप और पावर बटन को साथ में प्रेस करके रखना है और इसके बाद में आपका डिवाइस बूट हो जाएगा। CSC फास्ट बूट में हो या फिर फास्ट बूट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने डिवाइस को वहीं लेकर के आना है। स्टेप 3 की बात करें तो आपको अपने फोन को कनेक्ट करना है अपने PC के साथ में USB केबल का इस्तेमाल करते हुए, तो वो भी कर लेना। और अब आपको वेरीफाई करना है कि आपने अपने डिवाइस को यानी कि अपने फोन को अपने लैपटॉप PC या किसी के साथ में कनेक्ट किया, वो कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है, या कोई ड्राइवर वगैरह का इशू है। तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पे जाना है, वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है या फिर पावर शेल खोल लेना है और उसमें जाके आपको टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेज। और फास्ट बूट डिवाइसेज आप टाइप करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने एक सीरियल नंबर आएगा और थोड़ा सा स्पेस देकर के उसी के आगे फास्ट बूट लिखा आएगा। अगर ऐसी स्क्रीन आपको दिखती है तो कांग्रेचुलेशंस, आपका डिवाइस आपके PC के साथ में कनेक्ट हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके हो सकता है या तो केबल खराब है या फिर आपके फोन के जैक वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पॉसिबल ये भी है कि आपके PC पे जो ड्राइवर्स हैं वो ठीक से इंस्टॉल नहीं हुए हैं, तो पहले वो चेक कर लेना, कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। स्टेप 5 की बात करें तो मैंने आपको एक और फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो कि है 33stock.aft.zip। तो ये फाइल आपको डाउनलोड कर ली है, डाउनलोड करने के बाद में अपने PC में किसी भी लोकेशन पे इसको रख लेना और फिर आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अंदर जो भी फाइल्स आपको मिलेंगी उनसे अब हमें काम करना है। और ये जो सारी फाइल्स हैं, अब क्या करना है, आपको सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के
बाद में इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको जाना है अपने पीसी के सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा एडीबी। तो वहां जाकर के आपको एडीबी वाले फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना है। अगर ये पूछती है कि मुझे कुछ फाइल्स ओवरराइट वगैरह करनी है, तो आपको सिंपली वो परमिशन भी एक्सेस कर देनी है, जितनी फाइल्स है वो आपको ओवरराइट कर देनी है। और अब इसके बाद में इस फोल्डर के अंदर आपको सारी फाइल्स दिख जाएंगी, तो वहां पे एक फाइल होगी फ्लैश ऑल अंडरस्कोर सीएमडी, तो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, यहां पे आप देख सकते हो। इस फाइल पे आपको जाना है, डबल क्लिक करना है, और ध्यान रखना सारा प्रोसेस जब आप कर रहे हो आपका फोन आपके पीसी के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। तो आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपके फोन पे फ्लैशिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आप अपने पीसी के स्क्रीन पे भी उस चीज को देख सकते हो। अब इसमें हो सकता है 5 मिनट लग जाए, 8 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, या कई बार 15 मिनट भी लग जाए, तो जल्दबाजी कोई मत करना, अपने फोन पे आराम से फ्लैशिंग होने देना। और जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी आपका जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा, और रिबूट होने के बाद में आपका फोन जैसे ही बूट होगा वहां पे उसको सेटअप कर लेना, जो भी गूगल अकाउंट वगैरह आप लोग करना चाहते हो। और इसके बाद में आपका जो फोन होगा वो स्टॉक रोम पे आ जाएगा, जो कि बिल्ड नंबर 334 होगा। अब इसके बाद में आप ASUS की वेबसाइट से जाकर के फाइल्स को डाउनलोड करके अपने फोन को अपग्रेड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो फोटो अपडेट भी आपको मिल जाएंगी, वहां से भी आप इसको अपडेट कर सकते हो, जिसमें आपका डेटा भी कम लगेगा, क्योंकि कभी 150 MB की अपडेट होती है, कभी 200 की, कभी 300 की होती है, तो वो कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप लेटेस्ट जिस पे भी चाहो, पाई पे चाहते हो तो पाई पे जा सकते हो, ओरियो पे रहना चाहते हो तो ओरियो पे रह सकते हो, और आगे अगर एंड्रॉइड 10 वगैरह मिलता है तो वो सब। तो भाई लोग ये तो हुआ पहला मेथड, अगर आप स्टॉक रोम चाहते हो। अगर आप कस्टम रोम यूज करना चाहते हो, जब आप कैसे कर सकते हो, तो आपको याद होगा सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप अपने फोन को फास्ट बूट मोड में लेकर के आ जाना, पीसी पे ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर लेना जैसा मैंने आपको बताया, और फोन को आपको कनेक्ट रखना है फास्ट बूट मोड में। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल का लिंक दिया है जो कि अनलॉक फाइल है, तो आपको वो फाइल डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेना। उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है एक्सट्रैक्ट किए हुए में, और वहां पे आपको अनलॉक की एक फाइल दिखेगी, तो अनलॉक वाली फाइल के ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। और इसके बाद में आपके फोन का जो बूट लोडर लॉक था, अगर वहां पे आपको CSC फास्ट बूट मोड दिख रहा था तब उस कंडीशन बता रहा हूं, उस पर आपको डबल क्लिक कर लेना है और आपके फोन का जो बूट लोडर होगा वो अनलॉक हो जाएगा। अब अनलॉक होने के बाद में आपको उस पर क्या करना है, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है, देन कस्टम रोम इंस्टॉल करनी है, और आप चाहो मैजिस्क वगैरह वो सब भी कर सकते हो। तो यार उसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला नहीं हूँ प्रॉपरली, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ मैं आई बटन में वो वीडियो देखूंगा, और ये आप देख सकते हो थंबनेल भी मैं उसका लगा देता हूँ, तो चैनल पे आप जाके ये वीडियो देख लेना। सेम जैसे इसमें मैंने वीडियो में क्या है वैसे वैसे आपको चीज़ें करनी है, और आप अपने फ़ोन पे कोई भी कस्टम रोम वगैरह चला पाओगे। और इस तरह से उम्मीद है आपका फ़ोन जो अब से पहले ब्रिक था आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसको पूरी तरह से एक्सेस कर पाओगे और आपका फ़ोन ठीक से काम करेगा। तो यार उम्मीद है इस वीडियो के बाद में आपका काम बन गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, रिसर्च करने में क्या कुछ चीजें हैं बहुत मेहनत लगी है, रात को 1-1, 2-2 बजे तक जाके वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार होती है, उसके बाद में आप लोगों के लिए वीडियो बनती है। तो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करना, और हां बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आने वाले वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहे। मैं मिलता हूं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।